मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं था, कोई आया नहीं था, तो आना चाहिए था ना। तो उसमें क्या नॉक करके बोल दीजिए कि हाँ डाउट के लिए, मैं जब टाइम दें तो उस टाइम पे आ जाइए। तो वहां से निकला, कोई था नहीं, फिर मैं चला गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, मान लीजिए हमारे पास गीजर है जिसकी कैपेसिटी आपकी 10 kg की है, ठीक है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है कि हमें पता है कि इसका रेडियस, मान लिया कि मैंने इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, वाटर टैप का जो रेडियस है वो कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो यहां से वाटर निकले वो कितनी स्पीड से निकले, मैंने कहा 5 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक। ये मेरी गीजर की रिक्वायरमेंट है कि जो भी हमारा गीजर है तो यहां से उसके पाइपलाइन से जो वाटर निकलना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलना चाहिए, ठीक। तो इसकी पावर रेटिंग क्या होगी और मेरे को आउटपुट टेम्परेचर कितना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस। आउटपुट टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट द पावर रेटिंग ऑफ गीजर, कीजिए, ट्राई कीजिए।
कैसे निकाला? सही है। तो अब देखिए मेरे को, आपको ये पता है कि पर सेकंड के पानी की जो स्पीड होनी चाहिए, मतलब कि मैं सिंपल पर सेकंड के बारे में बात करूं, वन सेकंड के बारे में, तो वन सेकंड में पानी कितने डिस्टेंस कवर किया होगा? 5 मीटर। ठीक है, इसका रेडियस आपको पता है, इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या मैं पर सेकंड वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम पर सेकंड पाई आर स्क्वायर इंटू 5, ये वॉल्यूम आ जाएगा पर सेकंड। कितना वॉल्यूम हमारा पानी का निकल रहा है पर सेकंड? मास पर सेकंड कितना होगा? मास पर सेकंड रो इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वॉटर, डेंसिटी ऑफ वॉटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब आपको मास भी पता चल गया। मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या थी? टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस का, मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है। तो एम एस ऑफ वॉटर इंटू डेल्टा टी, ये पर सेकेंड एनर्जी है, पर सेकेंड इतनी हीट चाहिए मेरे को। ठीक है, और जो पर सेकेंड एनर्जी होती है वही क्या होता है? पावर। तो यहां से जो पर सेकेंड निकल रहा है वही क्या है? आपका पावर। क्लियर है? पर सेकेंड एनर्जी को हम लोग पावर कहते हैं। तो आपने पर सेकेंड एनर्जी निकाल ली कि पर सेकेंड कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मेरे को, वही क्या होगा? पावर रेटिंग ऑफ द जीटर। सर तो हम इसमें मास वो 10 केजी लेंगे या फिर मास पर सेकंड लेंगे? मास पर सेकंड है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कितनी स्पीड से आना चाहिए, मतलब कि जो भी हमारी 5 मीटर पर सेकंड से पानी निकले वो गर्म निकले। क्लियर है? अब देखिए दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एम्स में पूछे हैं कई बार। मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा एक ब्लॉक है जिसको आपने इस साइड से रिलीज कर दिया, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आपको मान लीजिए एल दी हुई है। जब मैं रिलीज करूंगा तो ये ऊपर से नीचे आएगा, और मैंने यहां पर कहा कि यहां पर फ्रिक्शन भी मौजूद है। तो मेरे से क्वेश्चन में कहा गया कि 40% ऑफ फ्रिक्शनल वर्क डन कन्वर्टेड इनटू हीट, फाइंड आउट द टेम्परेचर राइज। देखिए 40% ऑफ फ्रिक्शन, 40% ऑफ फ्रिक्शन कन्वर्टेड इनटू हीट, फाइंड टेम्परेचर राइज, फाइंड टेम्परेचर राइज। म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल, ये फ्रिक्शन हो गया ना, म्यू इंटू एन, ठीक, इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। इसका 40% गेट्स कन्वर्टेड इंटू हीट, तो यहां से मैं टेम्परेचर राइज निकाल सकता हूं।
कि डेल्टा टी कितना चेंज आया होगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं तो टाइप बता रहा हूं। तो फ्रिक्शन का वर्क डन तो हीट में कन्वर्ट होगा। तो वही तो कह रहा है कि इसका हीट टेंपरेचर 40% जा रहा है कन्वर्जन। क्लियर है? और जैसे दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, मैंने कहा कि एक मास है, एक बुलेट है, ये v स्पीड से आ रहा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ 100% पेनेट्रेट हो गया। तो उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना कि जब पेनेट्रेट हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था हम लोगों ने, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन ये है कि इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया कि 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, फाइंड टेम्परेचर राइज। लिखिए 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी gets converted into 60% of kinetic energy loss, kinetic energy loss, 60% of kinetic energy loss gets converted into heat, find temperature rise, find टेम्परेचर राइज। काइनेटिक एनर्जी लॉस, अगर मैं यहां पे बात करूं काइनेटिक एनर्जी लॉस का मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये ब्लॉक और ये मास दोनों किसी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। हमने उन्हें निकाला था ना मोमेंटम कंजर्वेशन करके कि हाँ v1 की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, v1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। इस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का 60% गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। तो यहां से डेल्टा टी निकाल लूंगा, यहां पे मास दोनों आएगा एम प्लस एम, ठीक है, क्योंकि पूरे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है। दोनों सेम मटेरियल दिया होगा, कुछ ना कुछ तो देगा, अगर अलग अलग देगा तो भी मैं लिख नहीं सकता। स्मॉल एम प्लस इसका डेल्टा टी प्लस कैपिटल एम इसको इसका डेल्टा टी। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, इसमें जो आपको s दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो दिया है at² + bt³। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे स्पेसिफिक कैपेसिटी आपकी क्या थी, कांस्टेंट थी।
तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक। और इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर टी आई था और फाइनल टेम्परेचर टी एफ हो गया। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम टी आई टू टी एफ। फाइंड हीट रिक्वायर्ड to change temperature from Ti to Tf. सर आंसर कॉम्प्लेक्स है क्या इसका? देखिए, आपने मान लिया किसी भी टी टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल टी है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल होगा। अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो टी प्लस डी टी टाइम में टेम्परेचर आपका टी प्लस डी टी हो गया, ठीक है। मैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt मान लू, मैंने कहा कि स्मॉल इंटरवल ऑफ dt टाइम में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है, स्मॉल dt है। तो मैंने कहा कि इसके लिए मेरे को स्मॉल हीट की रिक्वायरमेंट है ms dt। ये क्लियर है, ठीक। dt चेंज इन टेम्परेचर के लिए मेरे को स्मॉल हीट चाहिए dq। अब ms की वैल्यू कितनी है, at स्क्वायर प्लस bt क्यूब dt, ये स्मॉल dq है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल हीट आ जाएगा ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल हीट आपके पास q आ गई। और यहां पे टेम्परेचर कहां से कहां वेरी कर रहा है, ti से tf तक इंटीग्रेट कर दीजिए आगे। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने जो आज के लेक्चर में जो गीजर से स्टार्ट किया था उधर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर एम्स। एम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, नीट में कभी नहीं आया, गीजर प्रॉब्लम भी नीट में कभी नहीं पूछा गया। जो भी स्टार्टिंग में हम लोगों ने 10-15 मिनट जितने भी क्वेश्चन टाइप्स देखे, सभी टाइप्स आपके एम्स में पूछे गए। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको पिक कर सकता। क्लियर यहां तक? चलिए,
नेक्स्ट टॉपिक हीट ट्रांसफर. अब देखिए हीट ट्रांसफर के लिए हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्ड वन रेडिएशन. ये हीट ट्रांसफर के मोड्स हैं. ठीक है, हीट आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होता है इन तीन मोड के द्वारा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो फर्स्ट हेडिंग डालिए कंडक्शन. अगर हम लोग कंडक्शन के बारे में बात करें तो मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, एक आयरन रॉड है जिसको आपने क्या किया, फ्लेम के ऊपर रखा. ठीक, अगर मैंने यहां पे इसको पकड़ के रखा है इस पोजीशन पे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये रॉड गर्म होने लग जाती है, मेरे को फीलिंग आती है कि हाँ यहाँ पे रॉड क्या हो रही है, गर्म हो रही है इस पोजीशन पे. अब इसके फंडामेंटल पे अगर हम लोग चले कि रॉड यहाँ पे गर्म हो रहा है इसका मतलब हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना चाहिए. ठीक, अगर हीट ट्रांसफर होगा तभी इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर राइज होगा. अगर इसको हीट नहीं मिल रहा है तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं होने वाला. ठीक, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि इस वाले पोजीशन पे मैंने क्या बताया था कि जितने यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं हर एक बॉडीज के क्या हो रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं और जिसके पास जितनी ज्यादा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका टेम्परेचर उतना ही हाई है. जो टेम्परेचर है तो वो इनडायरेक्ट वे में बताता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास कितनी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस तो है जो बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये बताता क्या है टेम्परेचर कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास कितनी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है. अब जब आपने इस वाले पॉइंट पे इसको हीट सप्लाई किया तो इस वाले पॉइंट पे हीट सप्लाई करूंगा तो एनर्जी का कन्वर्जन तो होना ही पड़ेगा क्योंकि मैं हीट दे रहा हूँ, हीट भी क्या है, एनर्जी है. तो मैंने यहाँ पे आपने हीट दिया तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं पहले मान लीजिए इस पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे. ठीक है, आपने हीट दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और तेज वाइब्रेट करेगा. ठीक है, अगर ये ज्यादा तेज वाइब्रेट करेगा तो इसके बगल वाला पार्टिकल वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, सब अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स रॉड पे, जब मैंने इसको कोई भी हीट सप्लाई नहीं किया तो जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे. ठीक है, सब अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो इसके बगल वाला पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. अगर ये बगल वाला पार्टिकल भी डिस्टर्ब होगा तो ये भी ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगा. तो ये डिस्टर्बेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर एक भी पार्टिकल का वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हुआ तो ये डिस्टर्बेंस पूरे रॉड में फैल जाएगी. ठीक है, तो जैसे ही आपने इस वाले पॉइंट पे फ्लेम मतलब कि हीट सप्लाई किया तो यहाँ का डिस्टर्बेंस इस वाले पॉइंट तक पहुंच गया. तो इस वाले पॉइंट पे भी जो इंडिविजुअल पार्टिकल थे उसकी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. अगर वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब यहां से देखिए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक डिस्टर्बेंस मूव की, यहां का डिस्टर्बेंस यहां तक मूव किया तो वो डिस्टर्बेंस है क्या, हीट ना, क्योंकि हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे और डिस्टर्बेंस के कारण क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. तो मैंने कहा कि मैंने फ्लेम को यहाँ पे लगाया था लेकिन टेम्परेचर इस वाले पॉइंट का भी इंक्रीज कर रहा है, तो मैं दूसरे तरीके से क्या कहूंगा कि जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर हो रही है. ठीक, लेकिन जब मैंने यहाँ पे ट्रांसफर का केस देखा तो जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे, क्या पार्टिकल्स के रिक्वायरमेंट है मेरे को, अगर पार्टिकल्स नहीं होते तो डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक जाता ही नहीं. इसका मतलब पहला पॉइंट, कंडक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्शन, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर कंडक्शन. अगर मीडियम नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा. दूसरा,
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है, तो क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स हीट को यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है? जीरो। यहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो डिस्टर्बेंस यहाँ से वहां तक ट्रांसफर हो रही है, ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा यहाँ से, पार्टिकल तो अपनी पोजिशन पे है, ठीक है, वो सिर्फ अपने मेन पोजिशन पे वाइब्रेट कर रहा है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। मीडियम के रिक्वायरमेंट है, लेकिन मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। यस सर। ठीक, अब हम लोग आते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन के बारे में बात करूं तो आपने मान लिया ये फ्लेम है, कहीं पर आपने आग लगाई, ये फ्लेम है, ठीक। तो इससे क्या होगा, जितने भी आसपास के एयर पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं ये वार्म हो जाएंगे, जहां पे भी फ्लेम जल रहा है, जहां पे बंदा लगा के रखा है, उसके आसपास के एयर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आपके वार्म हो जाएंगे, हॉट एयर बन चुका होगा यहाँ पे। अब आपने यहां पे क्या किया, एक ब्लोअर लगा दिया, फैन लगा दिया, मान लीजिए ये फैन लगा दिया, ठीक। अब यहां पर अगर मैं फैन लगा दूं तो ये जो वार्म एयर है ये मूव करने लगेगी यहां से, ठीक। अगर ऑब्जर्वर यहां पे है तो उसको क्या लगेगा, तो उसको लगेगा कि हीट आ रही है इसके पास, ऐसा ही होता है, ब्लोअर यही काम करता है। तो जो ब्लोअर होता है उसमें क्या होती है, कॉइलिंग होती है, वो कॉइलिंग क्या करता है, आसपास के एयर को क्या कर देता है, वार्म कर देता है, और पीछे फैन लगा होता है जो कि जो हॉट एयर है वो उसको मूव करवाने लग जाता है। तो जितने भी कार वगैरह ये जो भी हम लोग घर वगैरह में ब्लोअर यूज करते हैं वो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, ठीक। उसमें कॉइलिंग आसपास के एयर को क्या कर देता है, वार्म कर देता है, और पीछे जो फैन है उस हॉट एयर को मूव करवाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि मीडियम का रिक्वायरमेंट है, मीडियम के रिक्वायरमेंट है ना, एयर है, ठीक है, तो यहां पे मीडियम के रिक्वायरमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स नॉन जीरो, नॉट जीरो, क्योंकि एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वार्म एयर ही मूव करिए कौन से दूसरे पॉइंट तक, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स is not equal to zero. Clear? अब देखिए last mode है आपका radiation. रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहां पे बताइए कि रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है क्या, नहीं, क्योंकि ईएम वेव्स में जानते हैं कि जो सन से रेज आ रही होती हैं, तो एटमॉस्फेयर में बहुत जगह है जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है यूनिवर्स में, ठीक है, अगर हम लोग अपनी गैलेक्सी की बात करें तो जब सन से अर्थ की तरफ रेज आ रही होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है या सिंपल हमारी लाइट रेज है, तो वहां पे आपकी कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। क्लियर है? अब देखिए आपको पता है कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है,
मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बगल में एक और बॉडी रखा आपने जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ पे कौन कौन से मोड से हीट ट्रांसफर होगी, कौन कौन से मोड्स होंगे हीट ट्रांसफर के लिए? कन्वेक्शन और रेडिएशन. कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. रेडिएशन क्यों? और रेडिएशन के लिए तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे तो एयर है. तो सर अगर तो सर रेडिएशन मीडियम में भी तो हो ही सकती है सर, कब वो थोड़ी ना कि होगा नहीं उसके अंदर. हाँ सही है, कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों होंगे यहाँ पे. ठीक है, लाइट का एग्जांपल है, अभी अगर मैं कमरे में बैठूँ तो यहाँ पे लाइट है, एयर भी है. ठीक है, यहाँ पर रेडिएशन एंड कंडक्शन, एक रॉड लगा के रखा हुआ आपने, कंडक्शन एंड रेडिएशन. कन्वेक्शन नहीं होगा क्योंकि वैक्यूम है. तो देखिए हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है कंडक्शन और एक है आपका रेडिएशन. और अगर हम दो बॉडीज को ट्यूब से कनेक्ट कर दें, एक ट्यूब के अंदर कोई मीडियम हो तो उसमें कन्वेक्शन होगा. वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि हाँ वो गैसेस पार्टिकल्स हैं कि क्या. वैक्यूम ना हो, कोई भी मीडियम हो उसके अंदर ट्यूब से कनेक्ट कर दें तो कन्वेक्शन होगा. अगर गैसेस पार्टिकल्स हैं, वही मैं बता रहा हूँ, गैसेस पार्टिकल्स हैं तो मूव कर सकते. अब देखिए हमारे सिलेबस में क्या है, कंडक्शन और रेडिएशन. ठीक है, कन्वेक्शन की सिंपल बेसिक डेफिनेशन. कंडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, रॉड लगा दिए जिसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन करते हैं, हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, पैरेलल में लगाया सीरीज में लगाया, उसके बाद जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, अलॉन्ग द लेंथ से टेम्परेचर कैसे वेरी करता है. ठीक, तो ये कंडक्शन के पार्ट हैं जो कि अभी 2 से 3 दिन चलेगा सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन. और जो मैं कंडक्शन पढ़ा रहा हूँ सेम चीज रिपीट होगी जो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में. तो जहां पे पढ़ा रहा हूँ वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, सेम क्वेश्चन वहां पे एज इट इज पूछे जाते हैं, बेसिक को याद रखिएगा यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंडक्शन में जो अभी मैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालूंगा सेम क्वेश्चन रिपीट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहां पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि लेंथ को हाफ कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया कम ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन किया ना आपने, तो वही सब क्वेश्चन हम लोग वहां पे भी रिपीट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में. अब उसके बाद है आपका रेडिएशन. रेडिएशन में देखे क्या है, रेडिएशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको रियलाइज हो कि हाँ ये सब चीजें रेडिएशन के अंदर ही आती हैं. हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इमिसिव पावर के बारे में कि जितने भी यूनिवर्स में बॉडी है अपने टेम्परेचर के कारण क्या होते हैं, कंटिन्यूसली रेडिएशन करते रहते हैं. ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टीफंस लॉ, किरचॉफ्स लॉ, A good emitter is a good absorber. ठीक है, ये सिंपल सी स्टेटमेंट थी, उसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे कि स्टेटमेंट सही में वैलिड है कि नहीं. उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे स्टीफंस लॉ पे, जो कि आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं कि स्टीफंस लॉ का फॉर्मूला क्या है, E a sigma T^4 - T0^4, उसको हम लोग प्रूव करेंगे बकायदा कि हाँ ये फॉर्मूला आया कैसे. ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कुछ नहीं है, वो स्टीफंस लॉ का ही एक एजम्पशन है कि पहला एजम्पशन लिया तो न्यूटन्स लॉ ने अपने एक लॉ बना दिया. ठीक, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आप लोग दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, एक तो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि हमारा TI + TF / T = TI + TF / 2 - T, इस टाइप का फॉर्मूला आता है. ठीक है,
हम लोग वो दो फॉर्मूला देखेंगे कि दो फॉर्मूले आए कैसे, वो दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या है, स्टीफंस लॉ की ही एप्लीकेशन है। पहला अजम्पशन लेते हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है, सेकंड अजम्पशन लेते हैं तो हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में, कि स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट होगा आपका विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये है आपकी पूरी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो 4 to 5 days और लूंगा, धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का डेट आ चुका है, बोर्ड से पहले तो नहीं होना नीट, इतना तो कंफर्म। ठीक है, तो 10th जून से पहले तो नीट नहीं होने वाला क्योंकि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट भी देने वाले नीट। ठीक है, तो बोर्ड हुआ नहीं, बोर्ड से पहले नीट कभी नहीं करवा सकता। ठीक, तो 10th जून के बाद ही होगा, तो हमारे पास सफिशियंट टाइम है, अप्रैल तक का टाइम है आराम से सिलेबस कंप्लीट करने का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से रियलाइज हो। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 2 बार शायद हूं, ठीक है, जैसे आईटी वालों ने 4 बार कर दिया मेंस। ठीक है, तो हो सकता है कि ये 2 बार हो, अगर 2 बार हुआ तो कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा। सब चीजें आप लोगों के लिए नेगेटिव है, भले ही आप लोग सोच रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है 2 बार मौका मिलेगा, ये सब नेगेटिव है। ठीक है, 2 बार अपीयरिंग का होगा ना, तो इस बार जो सोच रहा हूँ कि चलो इस बार मैं नहीं देता हूँ, वो जहां देखेगा कि 2 बार का मौका मिल रहा है इस बार मैं देख के देख लेता हूँ, और वो जब देख के देखता है ना तो कंपटीशन को बढ़ाता और कुछ नहीं करता। रेस में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट दौड़ रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड तो आना ही है। अब 100 स्टूडेंट दौड़ेंगे तो फर्स्ट सेकंड नहीं, 99 और 900 भी आ सकते हैं। ठीक, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 2 बार हुआ, क्या क्या सर इसी ईयर से, इसी साल कोरोना है ना, तो मौका इसी बार का मिलेगा, हर एक बार के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बोर्ड का सिलेबस भी इसी बार कट हुआ है, अब बोर्ड का सिलेबस भी कट हुआ है और टाइम भी एक्सटेंड इसी बार का हुआ है, तो जो चीजें हैं सब इसी बार के लिए हैं। ठीक है, और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कई सारे स्टूडेंट ने बहुत आखिरी में जाके नीट के लिए तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे नीट तो इस साल होगा ही नहीं, जो भी आपने उन्हें लास्ट ईयर दिया। ठीक है, तो इसलिए उस चीज के लिए बैठे हुए थे, जो कि हम लोगों का सितंबर में नीट का पेपर हो गया। ठीक, तो कई लोगों ने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें बता रहा हूँ। तो उसके कारण क्या है, बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो उन लोगों से तो काफी आगे है, तो ऐसे कम से कम 3 से 4 लाख स्टूडेंट होंगे जिनके आंख अभी खुली है कि कुछ किया जाए। ठीक, तो उनसे तो कम से कम 3-4 लाख के ऊपर हैं आप लोग, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपियरिंग होने की इस बार के चांसेस ज्यादा हैं। अगर लास्ट टाइम 14 के आसपास हुए तो यहाँ पे 16-17 पे पहुंचेगा, जैसा मानना है कि 16-17 पे पहुंच जाना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो हमें कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है जहां पे एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सके। इसे मैं सभी वैरायटी भी बता रहा हूँ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आ गया पता ही ना चले कि इसमें करना क्या, तो इसलिए उस टाइप्स बता रहा हूँ अलग से। जैसे स्टार्टिंग में कुछ 5-4-5 क्वेश्चन बताए, कभी पूछे नहीं गए लेकिन एम्स ने पूछा। ठीक है, तो वैरायटी को भी हमें ध्यान में रखना है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को कैसे पिक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए कंडक्शन। मैंने कहा कि 2 बॉडीज हैं, एक हायर टेम्परेचर पे है और एक आपका लोअर टेम्परेचर पे है। इन दोनों को आपने क्या किया, किसी भी कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दिया, तो हीट ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हीट का वेरिएशन होगा अलोंग द रॉड, अगर मैं ध्यान से देखूं राइट हैंड साइड में, बोले कि इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर हाई पोजिशन पे है और यहाँ पे टेम्परेचर लो पोजिशन पे है, तो अगर लॉजिकली भी जाऊं मैं कहूं कि अगर मैं रॉड के अलोंग मूव कर रहा हूं ए टू बी, अगर मैं रॉड के अलोंग मूव कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे मिलता है, इसमें 2 चीजें होती हैं,
जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कैपेसिटर का एग्जांपल लें, कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करें तो उसको चार्ज होने में टाइम लगता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को कैपेसिटर पढ़ा हो, ठीक है, तो जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कैपेसिटर होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है, एक्सपोनेंशियली आपका चार्ज होता है और एक्सपोनेंशियली ही आपका डिक्रीज होता है, ठीक। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, मतलब कि हमारा जो उसमें चार्ज है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, पोटेंशियल आपका अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग दो चीजें बात करते हैं वहां पे, एक होता है स्टेडी स्टेट, एक होता है ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है उस समय तक के टाइम को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है, जब उसकी चार्जिंग चल रही है, अभी चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। जब वो फुल्ली चार्ज हो चुका होता है, बल्कि उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आने वाला, मैंने कहा कि कैपेसिटर की मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है, 20 कूलम, ठीक है, एक कैपेसिटर है जितना मैक्सिमम कितना चार्ज ले सकता है वो 20 कूलम, अब मैं कितनी भी करंट उसको प्रोवाइड करता रहूं तो वो 20 कूलम के ऊपर नहीं जाएगा ना, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, एक बकेट है, बकेट की कैपेसिटी है आपकी 10 लीटर, उसमें 10 लीटर पानी भर सकते हैं, तो अगर 10 लीटर पानी भर सकते हैं और कंटिन्यूसली उसको टैप के नीचे रख दीजिए ओपन करके, तो क्या 10 लीटर से ज्यादा पानी आ जाएगा क्या, वो 10 लीटर ही रहेगा बकेट में पानी, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कैपेसिटर का अगर 20 कूलम अगर उसकी चार्जिंग कैपेसिटी है, तो मैं कितनी भी करंट प्रोवाइड करता रहूं 20 कूलम के ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। और जब वो 20 कूलम तक पहुंच गया, मतलब कि वो स्टडी स्टेट पे आ चुके हैं, स्टडी हो चुकी है उसकी सब चीजें, अब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आने वाला, ना ही चार्ज में वेरिएशन आने वाला है, ना ही करंट में वेरिएशन आने वाला है, ना ही उसके पोटेंशियल में वेरिएशन आने वाला है, तो इस स्थिति को, इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट। सब चीजें स्टडी हो चुकी हैं, ठीक। और उससे पहले जब सब चीजें वैरी कर रही होती हैं, कि जब चार्जिंग हो रहा होता है तो चार्ज की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही होती है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही होती है, और पोटेंशियल भी उसके अक्रॉस क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वर्ड यहां पे भी यूज करूंगा। तो वैसे ही ट्रांजिएंट स्टेट और स्टडी स्टेट दो चीजें होती हैं। जब हम लोग रॉड को इस टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग वाले एक चीज को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट, मतलब कि अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं, मतलब कि हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ यहां से यहां तक, ठीक है। जब ट्रांजिएंट स्टेट होता है उस समय ए से बी में टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये एम्स ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांजिएंट स्टेट में अलोंग द रॉड टेम्परेचर वेरिएशन किस फॉर्म में रहता है, पहला ऑप्शन था लीनियर, दूसरा था आपका हाइपरबोला, थर्ड था आपका एक्सपोनेंशियल, और फोर्थ था आपका नॉन ऑब्वियस। तो ट्रांजिएंट स्टेट में अलोंग द रॉड टेम्परेचर वेरीज एक्सपोनेंशियली, लिख लीजिए, मैं इसके लिए प्रूव नहीं करा, पूरी मैथमेटिक्स है। क्लियर है? ट्रांजिएंट स्टेट में अलोंग द रॉड जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अगर मैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रहा हूं तो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक। अब हम लोग स्टडी स्टेट के बारे में बात करते हैं कि स्टडी स्टेट आ चुका, तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टडी स्टेट के बारे में बात करूं, मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर T1 है और इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, तो स्टडी स्टेट में A टू B टेम्परेचर डिक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, वो अपने आप को इस हिसाब से अरेंज करता है
ताकि कांस्टेंट हीट सप्लाई होती रहे फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो लिखिए एट स्टडी स्टेट टेम्परेचर एवरीवेयर arrange in such a manner, temperature everywhere arrange in such a manner so that it decreases from higher temperature to lower temperature, it decreases from higher temperature to lower temperature linearly and maintains a constant supply of heat ट्रांजिएंट स्टेट में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, और स्टडी स्टेट में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है. ठीक. जब ट्रांजिएंट स्टेट होता है तो जो हीट सप्लाई होती है अलोंग द रॉड वो वेरिएबल होती है. स्टडी स्टेट में जो हीट सप्लाई होती है अलोंग द रॉड वो कॉन्स्टेंट होती है. ये दो डिफरेंस है मेजर जो आपको याद रखना है. ट्रांजिएंट स्टेट में हीट सप्लाई आपकी वेरिएबल होती है, स्टडी स्टेट में हीट सप्लाई आपकी कांस्टेंट होती है. ट्रांजिएंट स्टेट में टेम्परेचर का वेरिएशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, स्टडी स्टेट में टेम्परेचर का वेरिएशन लीनियरली डिक्रीज होता है. क्लियर. जैसे कि याद कीजिए हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं, करंट के बारे में बात करते हैं. मैंने कहा कि कोई कंडक्टर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. तो मैंने कहा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ए वी ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है, ये रेजिस्टेंस आर. हम लोग इस बेसिक मैथ इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से ही इस टाइप के क्वेश्चन को पिक करेंगे. इसमें मैं पैरेलल ही समझा रहा हूँ कि कैसे वहां पे करते हैं. ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी कि करंट अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन. ठीक है. जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे. पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, इस चीज को याद रखिएगा. कई लोग कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. दोनों सेम नहीं है, दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है. अगर मैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कह रहा हूं, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन करंट. पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंट है और I क्या है? इंडिपेंडेंट. अगर मैं सेकेंड वाली की बात करूं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है और वोल्टेज क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ठीक है. तो यहां पे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कंडक्टर के. उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसी को मैं कोरिलेट कर रहा हूं यहाँ पे. तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हीट करंट की. ठीक है. हीट करंट का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, इसको हम लोग हीट करंट कहते हैं. ठीक. यहां पर अगर मैं हीट करंट के बारे में बात करूं तो आप लोग सिंपल करंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ठीक. और यहां पे रेजिस्टेंस को आप लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये फॉर्मूला भी पता है ना रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अगर मैं यहां पे बात करूं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस,
करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में है, इसका मतलब करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी है। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू डेल्टा वी, आर की जगह रो एल अपॉन ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक, अगर मैं यहां पे करंट को देखूं तो करंट किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो यहां पे जो हीट करंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यहां पे हीट करंट आपके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, कितनी हीट करंट फ्लो करेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट, यहां पे करंट आपका एरिया के प्रोपोर्शन है, अगर एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा फ्लो करेगी। वैसे यहां पे भी क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या। यहां पे करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहां पे भी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक, यहां पे हम लोग लिखते हैं रो को, क्या लिखते हैं, रेजिस्टिविटी। यहां पे हम लोग रो डिफाइन नहीं करते हैं, आपने क्या कहा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटी और एक वैल्यू आ गई कांस्टेंट, के ए डिवाइडेड बाय एल इनटू डेल्टा टी। तो ये जो के है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या है आपका, थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है, अब इसको थोड़ा सा और इसके साथ कोरिलेट कीजिए। हम लोग जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो यहां पे लिखूंगा हीट करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई के ए, लिख सकता हूं इस तरीके से। ठीक, तो ये जो है इसको हमने एक नया नाम दिया, एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट देखिए क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, अगर थर्मल कंडक्टिविटी को देखें, IH हीट करंट क्या था, रेट ऑफ हीट सप्लाई, मतलब कि dQ अपॉन dt, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, वॉट पर केल्विन, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो एक एम कैंसिल हो जाएगा, ये पर मीटर आ जाएगा और ये टेम्परेचर भी नीचे चला जाएगा, तो पर केल्विन। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्लियर है, अब देखिए हम लोग किरचॉफ करंट लॉ पढ़ते हैं, मैं सभी चीजें एक बार मैं बता रहा हूं उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। ठीक, हम लोग किरचॉफ करंट लॉ पढ़ते हैं, तो किरचॉफ करंट लॉ में हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। जंक्शन के अक्रॉस अलजेब्रिक समेशन, अलजेब्रिक समेशन का मतलब क्या होता है, इनकमिंग करंट को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो आउटगोइंग करंट को क्या मानूंगा, नेगेटिव। ठीक है, तो दूसरे वे में हम लोग क्या कहते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक, मैंने क्या कहा, अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। मैंने मान लिया कि ये जंक्शन है, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है आर वन आर टू आर थ्री, हेडिंग डाल लीजिएगा जंक्शन लॉ, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा।
मैंने कहा कि ये जंक्शन है, ये मान लीजिए V1 पोटेंशियल है, ये V3 पोटेंशियल है, ये आपका V2 पोटेंशियल है, ये जंक्शन है, तो मेरे को यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाना है। तो हम लोग क्या है जंक्शन मान के चलते हैं कि जिस जंक्शन की इक्वेशन लिखेंगे वो जंक्शन क्या है आपका हायर पोटेंशियल पे, ये मेरा जंक्शन है ठीक। तो ये जो जंक्शन है आपका क्या है हायर पोटेंशियल पे, अगर ये जंक्शन हायर पोटेंशियल पे है, मैंने कहा इसका पोटेंशियल V है, तो यहां से जो करंट होंगी हर एक में करंट क्या होगा आउटगोइंग ना, अगर V हायर पोटेंशियल पे है तो हमेशा करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। तो आपने मान लिया यहां पे करंट है I1, यहां पे करंट है I2, यहां पे करंट है I3, तो हम लोग क्या करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो, यही होता ना जंक्शन अल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। तो सभी करंट तो आउटगोइंग है, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो, इसके अलावा तो कोई करंट है ही नहीं जंक्शन पे। अब मैं करंट के बारे में आता हूं, करंट इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर मैं करंट I1 लिखूं तो I1 का क्या है R1 के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पे R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V - V1 डिवाइडेड बाय R1, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर मैं I2 के बारे में बात करूं तो V - V2 डिवाइडेड बाय R2, V - V3 डिवाइडेड बाय R3। मेरे को क्वेश्चन में V1, V2, V3 पता होता है, मेरे को जंक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ता है, तो मैं इसी रूल से निकालूंगा। यहाँ पे एक ही अननोन है, वो क्या है V, तो मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट ट्रिक है कई सारे क्वेश्चन करने का, जो अभी हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी में देखेंगे कंडक्शन में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हमारी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें खत्म हो गई हैं। अब एक दो चीजें और, जैसे हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो सिंपल रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, अगर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड होता तो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, इस चीज को याद रखिए, कल हम लोग इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। अभी सिर्फ दो दिन तक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और किस किस टाइप के दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों चीजें करेंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल पे नहीं जाएंगे, उतना करेंगे जाके हम लोग एम्स को कवर कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को देख के आएगा, जो भी आपके नोट्स हैं बुक्स हैं एक बार थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, तो थ्योरी के और सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरीके से। जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं एनसीईआरटी को पढ़िए, और एक बार नहीं बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो भी थ्योरी का पोर्शन उठाया जाता है वो डायरेक्ट उठाया जाता है एनसीईआरटी के पॉइंट से, एनसीईआरटी के बाहर नीट में कभी नहीं पूछा गया। ठीक, लेकिन एनसीईआरटी के एक एक पैराग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो अगर हम लोगों ने आज इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं तो हो सकता है एनसीईआरटी में वो चार लाइन में लिखा हो। ठीक, इसलिए उस चार लाइन को समझने के लिए मेरे को उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, ताकि उसके उसके सिग्निफिकेंस को समझ पाऊं ये चार लाइन में कहना क्या चाह रहा है। एक बार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि सब चीजें आ गई, लेकिन जो दोबारा पढ़ाने के बाद पढ़ते हैं फिर लगता नहीं चार लाइन का मतलब कुछ और था, पहले में कुछ और समझ आता। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो कीजिए, बार बार पढ़िए उसको, हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट जरूर मिलेगा। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में तो जरूर पढ़िए, 7 to 8 क्वेश्चन है यहाँ से, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, बहुत ईजी पोर्शन है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर सभी चीजें मेरे फिंगर टिप्स पे हैं तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है सर, जो स्टार्टिंग में सर थर्मल प्रॉपर्टीज के स्टार्टिंग में एक वो वाला फॉर्मूला भी तो आता है L=L1+σ करके कुछ सर, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि थर्मल एक्सपेंशन जो है अभी नहीं पढ़ा रहा, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो उसी अच्छा। समय बोला था कि ये जैसे ही हम लोगों का ये मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन जो पार्ट है वो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आता है। ठीक है, इससे मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि वहां पे यंग्स मॉडुलस भी आ जाता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस भी आ जाता है, तो बेकार में भी को वो पढ़ाना पड़ जाता है,
इसलिए कि ये मेजर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं उसके बाद मैं थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा और उसके साथ साथ आपका वो भी खत्म हो जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, वो एक ही लेक्चर का, ठीक है? लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, ओके वेलकम, थैंक यू.